आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी स्वर्गीय पूनम चंद यादव बाबूजी को नगरवासियों ने अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। सीहोर जिले के बुधनी में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्तिकेय पार्क के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई, जहां कांग्रेस के नेताओं ने अपने उद्बोधन में सरकार के खिलाफ जमकर मुंह खोला कि भाजपा ने जो वादे किए थे अब भाजपा अपने वादे से मुकर रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने मूंग खरीदी में जो घोषणा की थी उसका ठीक से मूल्य नहीं दे रही है। प्रदेश में दिनों दिन महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है। कांग्रेस नेत्री ने आरोप लगाया कि महिलाओं के प्रति जो अपराध कर रहे हैं और कोई नहीं बल्कि अधिकतर भाजपा के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, इसी कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बुधनी के कई स्थानीय मुद्दों में रेलवे अंडरब्रिज का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, बुधनी में ट्रेनों के कोई नए स्टॉपेज शुरू नहीं हुए और बुधनी के रोडों की हालत इतनी खस्ता है कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि हम पुलिस की लाठी और आंसू गैस से डरने वाले नहीं हैं, हम जनता की जो लड़ाई है वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। और सभी कांग्रेसी एकजुट होकर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन भी दिया। वहीं फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आरोपी इसके पूर्व पहली पत्नी और भाई की हत्या के आरोप में जेल जा चुका है और अब दूसरी पत्नी को मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दरअसल 19 अगस्त को सुनीता व आनंद ने शराब पिया था और शाम को आनंद ने पत्नी के साथ मारपीट की थी और जबरन घर ले गया। इस मामले की जानकारी सुनीता की मां शिव कुमारी को मिली थी, लेकिन रात होने के कारण वह अपनी बेटी से मिलने नहीं जा सकी। 20 अगस्त को जब महिला अपनी बेटी के घर गई तो शिव कुमारी को देखकर आनंद मझवार घर से भाग गया था, जबकि जब महिला अंदर पहुंची तो उसकी बेटी सुनीता मझवार मृत पड़ी थी। महिला के शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसे में महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त करने के साथ ही BNS की धारा 103 के तहत गिरफ्तार उसे किया है। बता दें कि आरोपी पूर्व में पहली पत्नी और भाई की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। दिनांक 19/8/24 को आनंद मंझवार, जो कि कूटा थाना दरीमा के रहने वाले हैं, उसने अपनी पत्नी सुनीता मंझवार की हाथ मुख और डंडा से पीट पीट करके हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। तत्पश्चात थाना दरीमा में प्रांत क्रमांक 115/24 धारा 103 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण में जो है आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जिसे कि आनंद मंझवार उम्र 40 साल साकिन कूटा थाना दरीमा का जो रहने वाला है उसको गिरफ्तार करके मामले में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। हत्या का जो आरोपी था पूर्व में दो हत्या कर चुका है, ये इसकी जो पहली पत्नी थी और उसके जो भाई है उसका भी मर्डर ही कर चुका है। बेमेतरा जिले भर के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां BLO वे कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर OBC सर्वे रखने जारी आदेश का विरोध किया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बजाय अन्य लोगों से सर्वे कराए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं से आंगनबाड़ी संचालन के अलावा शासन की ओर से निर्वाचन कार्य, मतदाता सूची में नाम जोड़ने काटने, महतारी बंधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने एवं पोषण आहार सप्ताह जैसी अनेक कार्य कराई जा रही है। इसके बाद OBC सर्वे का भी आदेश जारी हुआ है, जिससे कार्यकर्ताओं के सामने वर्कलोड की समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही OBC सर्वे 52 कॉलम में जानकारी भरनी है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को टेक्निकल नॉलेज की समस्या है।
साथ ही कहा कि अगर शासन सर्वे कराना चाहती है तो सर्वे कराए या फिर सिर्फ आंगनबाड़ी का कार्य कराया जाए। इन्हीं समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर समस्या समाधान करने की मांग की गई। हम लोग कलेक्टर सर के पास जितने भी जिला में बीएलओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो सभी अपने जो समस्या है उसको लेकर निराकरण के लिए कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात किए हैं। जनप्रतिनिधि लोग जितना हम लोग पदाधिकारी हैं अपने जुझारू संघ के, और सर से बात हुई है, बोले शासन का काम है, शासन का काम करना ही पड़ेगा, हम लोग भी करते हैं बोले, तो हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे साथ ना कोई सहयोगी है ना अतिरिक्त मानदेय है, और काम का भी दबाव इतना है। आंगनबाड़ी हम लोग को 9:30 बजे सुबह जाना पड़ता है 3:30 बजे तक, और उसके बाद ओबीसी सर्वे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। 52 कालम है और घर घर जाना है, डोर टू डोर विजिट करना है, एक घर में 1 घंटा पौन घंटा लग रहा है। अब उसको 20 दिन के अंदर करके देना है, तो हम लोग को सभी बीएलओ को समस्या, हम लोग चाहते हैं कि बीएलओ पद से हम लोग को हटा दिया जाए, और जो भी रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सचिव हैं उनका ड्यूटी या अन्य कोई गांव में जो है उनका ड्यूटी लगाया जाए, और हम लोग को इस कार्य से मुक्त किया जाए। सभी बहनें हम लोग चाहते हैं, और अभी तीज का समय चल रहा है, आप लोग सबको पता है, आदरणीय कलेक्टर सर को भी पता है कि तीज का समय है, शासन मुख्यमंत्री जी को भी पता है, छत्तीसगढ़ के हैं वो भी, उनको भी पता है, तब भी हम लोग को एक दिन राहत का मतलब राहत नहीं है कि हम लोग तीजा में अपने मायके चले जाएँ, सब कुछ नहीं है। तो मैं और पूरा जिला का पूरा छत्तीसगढ़ की बहनें चाहते हैं कि हम लोग को तीज का छुट्टी दिया जाए 2-3 दिन का जितना भी हो सकता है, और ये बीएलओ काम से कार्य मुक्त किया जाए। हम लोग सर भारी संख्या में क्या है बात, ये ओबीसी सर्वे का काम अभी शासन के द्वारा कराया जा रहा है, जो काम बीएलओ के माध्यम से होना है, और लोग काम शुरू करके कर भी रहे हैं, फिर भी इनका काम के साथ साथ कुछ अतिरिक्त मांग है, जैसे उनको मानदेय मिलना चाहिए और सहयोग अन्य विभाग से भी मिलना चाहिए। इनको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया गया है एक निर्धारित फॉर्मेट में, जिसमें सर्वे के दौरान घर में जाकर जो घर मुखिया है उनसे पूछ करके भरना ही है, कोई बहुत कठिन प्रपत्र नहीं है, और ये काम हो भी रहा है, बहुत से लोगों ने अच्छा काम भी किया है, ऐसी कोई समस्या नहीं। रवा पुलिस इन दिनों नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है, और इसी क्रम पर जिले के मनगवा में लंबे समय से मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार पर पुलिस ने छापा मारा, और वहां से 2,26,000 से ज्यादा कीमत की 2,340 नशीले कैप्सूल बरामद की। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी संतोष तिवारी, जो करीब 15 वर्षों से मनगवा में रहकर मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा था, उसके यहाँ नशीली दवा मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर रेड मारी गई और बड़ी संख्या में नशीली टैबलेट जब्त हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर नशा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कल मलगवा थाने ने मुखबिर की सूचना पर मनगवा में मनोज मेडिकल स्टोर्स है, उसमें दबिश दे करके नशीली कैप्सूल जो है उनसे जब्त किया गया है। नशीली कैप्सूल जो है 23,040 जो है नग पाई गई हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 2,26,244 रुपये के लगभग है, जिसे जब्त किया गया है। उससे नकदी भी जो है 3,560 रुपये जब्त किए गए हैं। ये मेडिकल स्टोर वाले संतोष तिवारी हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और संतोष तिवारी मूलतः उत्तर प्रदेश कौड़ियारा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, पिछले 15 सालों से ये मनगवा में रह रहे हैं। अब ये स्थायी रूप से अपना मकान बना के वहाँ वो मेडिकल स्टोर का धंधा करते हैं। मुखबिर की सूचना पर मनगवा ने ये कार्रवाई की है। इनके खिलाफ NDPS की धारा 8/21-22 और मध्य प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल अधिनियम की जो धारा 3/5/13 पर कार्रवाई की गई है, और उन पर उनके खिलाफ जो है न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए खबरों के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए AMI News के साथ। नमस्कार।